ये कहेंगे कि हाँ उर्मी का तो सम्राट से तलाक हो चुका है, ये बच्चा पैदा हुआ है शादी की। बच्चा तो पैदा करेगी सम्राट का, लेकिन बीवी रहेगी मेरे ईशान की, यही कहना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स। तुम्हें तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि अच्छा नहीं पकड़ने में मत चलो। एक्शन एक्शन। लेकिन पत्नी रहे, लेकिन बीवी रहेगी मेरे ईशान की, यही कहना चाहते हैं? ईशान तो मेरा है ही बेवकूफ, लेकिन लगता है अब इनकी भी अकल पर पत्थर पड़ गया है। ईशान को तो मतलब बीवी और दोस्त में फर्क समझ ही नहीं आ रहा। जब तक उर्मी ईशान की दोस्त थी, वो उसके साथ खड़े रहे या रोल रोली शौर्य के खिलाफ नहीं,
सिंपैथेटिक माँ होने के नाते मैं उर्मी का दर्द समझ सकती हूँ, और उसे पूरा हक है अपने बेटे के हक में फैसला लेने का। लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, ये आप क्यों भूल जाते हैं? अगर उर्मी को हक है अपने बच्चे के बारे में सोचने का, तो मुझे भी हक है अपने ईशान की भलाई के बारे में सोचने का, और मैं वही कर रही हूं। कब आया हूं? आप भी आओ। रोल एक्शन। मैंने फैसला कर लिया, अगर उर्मी सम्राट का बच्चा पैदा करने का फैसला लेती है, तो उसे मेरे ईशान की जिंदगी से जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए जाना होगा। डोली और मानो की इस वक्त एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे पहुंच गया है, जहां पर बहुत सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हो रहे हैं, बहुत ही ड्रामेटिक सीन्स हम लोग शूट कर रहे हैं। जितना कि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग डोली और मानो की रेगुलरली देख रहे हैं, वो अब तक समझ गए होंगे कि कहानी इस समय बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में पहुंच गई है, जहां पर एक ही घर की फैमिली में दामाद और बहू, जो कि किसी ज़माने में हस्बैंड वाइफ थे, वो अब आज मेरे दामाद और बहू बने हुए हैं, जो कि किसी ज़माने में एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ थे, और उनका एक बच्चा है शौर है, वो भी इसी घर में रहता है। मेरा दामाद भी इसी घर में रहता है, मेरी बहू भी मेरे साथ हमारे घर इसी घर में रहती है मेरे बेटे के साथ, और मेरी बेटी की शादी उस इंसान से हो गई है जो मेरी बहू का एक्स हस्बैंड है, और जो उन दोनों का जो बच्चा है शौर्य, उसको कैंसर की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के लिए उसी के सिबलिंग का ही DNA यूज़ किया जा सकता है, जो कि उसका असली भाई या बहन, सौतेला भाई या बहन नहीं।